आज एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बूथ स्तरीय सम्मेलन में पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों में सत्ता की इतनी भूख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कुर्ता फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप में कह रहा है, तो ऐसे में ये लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर गरीब जनता का क्या होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एक दिवसीय दौरे पर विधानसभा पिछोर पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जमकर फूलों से किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी को भारी मतों से विजयी बनाने की बात कही। कार्यकर्ता से सिंधिया ने कहा कि चुनाव के समय बूथ पर जो कार्यकर्ता रहता है उसकी अहम भूमिका होती है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ से भाजपा को विजय बनाए और भाजपा का झंडा बिछोर विधानसभा में लहराए। भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी ने भी कार्यकर्ताओं को पावर देने की बात कही। प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि मैं नाम के लिए विधायक रहूंगा, लेकिन मेरा हर एक कार्यकर्ता विधायक है और उस कार्यकर्ता को पूरे पावर रहेंगे। मैंने अपनी पावर अटर्नी दे दी है काली बिल्डिंग के। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं। ऐलान जंग तो हमारे साथ होना चाहिए, पर वो तो अपने पूर्व मुख्यमंत्री भैया के बारे में कह रहे हैं कि कुर्ते फाड़ो। अभी हो रहा है तो भगवान ना करे, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की कुर्सी इस जोड़ी को मिली तो जनता का क्या हाल करेंगे। तो ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी के योद्धा के रूप में आपको नहीं लड़ना है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की माटी को सुरक्षित करने के लिए हमें और आपको लड़ना है। जिस मध्य प्रदेश को अंधेरे के गड्ढे में कांग्रेस ने खदेड़ के छोड़ दिया था। बैठो बैठो दादा, बैठ जाओ, मैं आ जाऊंगा, बैठ जाओ। और आप लोग क्या कर रहे हो? आपको याद है गांव गांव में सड़क नहीं होती थी, हमें ढूंढना पड़ता था गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होती है। अब मैं दिखता हूं थोड़ा नौजवान, पर धीरे बुढ़ापे की तरफ मैं भी चल रहा हूं कि जब सड़क न हो तब पगडंडी पकड़ लो। याद है कि नहीं, 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने ये पगडंडी का शब्द हमारे शब्दकोश से ही निकाल दिया। मखमल की तरह की सड़कें बना दी, लगातार विराज की कुर्सी पे। याद है कि नहीं? ऐलान जंग है भैया, जब जंग का ऐलान होता है सेना में ऊर्जा होनी चाहिए। याद